नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करने जा रहे हैं। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। टीकाकरण के हालातों को लेकर भी बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन, ICMR के वैज्ञानिक इस बैठक में शामिल होंगे। शाम 5 बजे तूफान तोकते पर भी मीटिंग करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। देश में जारी कोरोना के कोहराम के बीच प्रधानमंत्री हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। इस मीटिंग में कोरोना संकट पर चर्चा होगी, साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मीटिंग में देश में जारी कोरोना संकट को लेकर चर्चा होगी। सरकार की तैयारियों के बारे में भी प्रधानमंत्री बताएंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री अधिकारियों से वैक्सीनेशन में तेजी लाने पर चर्चा कर सकते हैं। इस मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और नीति आयोग से जुड़े सीनियर अफसर शामिल होंगे। इसके अलावा शाम 5 बजे प्रधानमंत्री चक्रवाती तूफान तोकते पर भी मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में सरकार के सीनियर अफसर भी होंगे, साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ममता हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गई है। ममता, एक तरफ कोरोना का कहर, दूसरी तरफ चक्रवाती तूफान का संकट, देश दोहरी स्थिति में फंस गया और इन दोनों ही स्थितियों के लिए प्रधानमंत्री एक हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। इस बैठक में देश के गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत भारत सरकार के तमाम बड़े अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। अगर इस बैठक की बात करें तो जिस तरीके से देश भर में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन की स्थिति को लेकर के पूरे देश में जो राज्य हैं वहां पर इसकी रफ्तार किस तरीके से है, इसको देखते हुए प्रधानमंत्री एक बड़ी बैठक, 11 बजे का वक्त है, बैठक कुछ ही पलों में शुरू हो जाएगा और प्रधानमंत्री की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। समीक्षा बैठक है प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा रहा है कि किस तरीके से देशभर में कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है, तमाम राज्यों की रिपोर्ट किस तरीके से है, बाकी राज्यों में वैक्सीनेशन किस तरह से लग रहा है, उसकी स्थिति क्या है, इसको लेकर प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्योंकि इस बैठक में गृह मंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री और इसके अलावा जो ICMR के वैज्ञानिक हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। यही नहीं, देश के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, PMO कार्यालय के जो अधिकारी हैं, सचिव हैं, गृह सचिव हैं, तमाम लोग इस बैठक में शामिल होंगे और सबसे प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार टीकाकरण का जो रफ्तार है वो किस तरीके से देश में चल रहा है। ममता, टीकाकरण की रफ्तार की बात की आपने, वो तो लगातार कम होती जा रही है क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। कई राज्यों में टीकाकरण रोकने जैसी नौबत आन पड़ी है, कई राज्य डिमांड कर रहे हैं लगातार वैक्सीन की। ऐसे में जब आंकड़े रखे जाएंगे प्रधानमंत्री के सामने तो जो रास्ता निकलने की उम्मीद जताई जा रही है वो क्या निकल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो लगातार प्रधानमंत्री इस बात पे जोर देते रहे हैं कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन लगेगा तो कोरोना संक्रमण, अगर कोई संक्रमित होगा तो उसका बचाव मुमकिन हो पाएगा। जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है उसमें कमी आएगी, ऐसा प्रधानमंत्री सोचते हैं और इसी के मद्देनजर लगातार देश भर के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक भी की और उन लोगों से भी अपील किया कि अपने अपने राज्य में टीकाकरण की जो प्रक्रिया है उसको सुनिश्चित करें। हालांकि लगातार वैक्सीन की कमी को लेकर तमाम जो राज्य हैं वो शिकायत करते रहे हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री तमाम जो भारत सरकार के अधिकारी हैं और बड़े मंत्री हैं, चाहे गृह मंत्री हों या स्वास्थ्य मंत्री हों, उनसे इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो राज्य लगातार टीकाकरण की कमी, टीका की कमी की वजह से लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि वो अपने राज्य की जनता को सही तरीके से टीका उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास वैक्सीन है ही नहीं, तो इसको लेकर प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे। और क्योंकि इससे पहले भी जो PM ने बैठक की थी उसमें ये कहा था, तमाम अधिकारियों को ये जिम्मेदारी भी दी थी कि आप लोग सुनिश्चित करें कि राज्य सरकारों को वैक्सीन समय पर मिले और उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हालांकि देखा जाए तो वैक्सीन का जो उत्पादन है उसको लेकर लगातार समस्या बनी हुई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मंत्री हैं सदानंद गौड़ा वो भी कह चुके हैं कि आखिरकार टीकाकरण अगर समय पर नहीं हो पा रहा, टीका
नहीं उत्पादन उतना हो पा रहा है तो हम क्या करें, फांसी लगा ले क्या? इस तरीके के बयान भारत सरकार की तरफ से एक मंत्री की तरफ से आया भी था। तो जिस तरीके से लगातार राज्य सरकार शिकायत कर रही है कि उनके पास वैक्सीन नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वैक्सीन को लेकर कह चुके हैं कि तकरीबन 100 से ज्यादा सेंटर वो बंद कर चुके हैं क्योंकि उनके पास वैक्सीन नहीं है, हालांकि उन्होंने बाकी ऑर्डर दिए हैं। तो इस तरीके की जो शिकायत है ना केवल दिल्ली से बल्कि देश के तमाम राज्यों से आ रहा है, और इसी के मद्देनजर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बड़ी समीक्षा बैठक कर रहे हैं, क्योंकि इस बैठक के जरिए ही वो तमाम देश के राज्यों का हाल जानेंगे कि वहाँ पर वैक्सीन कितनी संख्या में है और राज्यों को कितनी की जरूरत है, और हमारे यहाँ उत्पादन की अगर बात करें तो उत्पादन कितनी है और किस तरीके से राज्यों को मुहैया करा सकते हैं ताकि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलती रहे। बिल्कुल ममता, ये जो बैठक होगी और इसके बाद हम उम्मीद यही लगा रहे हैं कि एक सकारात्मक रिजल्ट जनता के सामने आए और वैक्सीनेशन की जो समस्या है उससे निजात मिले। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।